1932 और निजो नीति जो है वो बिल्कुल क्लियर है। झारखंड में 3.5 करोड़ लोगों की चिंता हमारी सरकार को है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को है। मैं आप सब से आग्रह करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो राज्य को बर्बाद करके रख दिया, झारखंड को सारे पैमाने पे संसार कर दिया है भाजपा के लोग, और आज किस मुंह से ये लोग धरना दे रहे हैं। 22 साल में 18 साल आप लोग क्या कर रहे थे, आज आपको चिंता हो रही है, और वो भी चिंता तब हो रही है जब आप आवाज उठा रहे हैं, ऊपर से भगवा कलर पहन लिए। तो कहने की इनके आप इनके मन में जाइए, इनके दिमाग में जाइए, और ये क्या देना क्या चाहते हैं समाज में। अगर इतने हितेजी है झारखंड के प्रति, इतने हितेजी है हमारे युवाओं के प्रति, इतने हितेजी है गरीब के प्रति, इतने हितेजी है 1932 को लेकर, तो आइए हमसे वार्ता कीजिए ना, मिल बैठ कर हम समाधान करें। बेवजह है एकदम, एक हमारे मुख्यमंत्री आदिवासी मुख्यमंत्री क्या बन गए, एक युवा मुख्यमंत्री क्या बन गए, इनके एकदम आंखों में किरकिरी है लगता है। 24 घंटा मुख्यमंत्री उनके आसपास जितने लोग हैं उनको घेरने का काम ये लोग कर रहे हैं। अरे भाई क्यों घेरना, सर 5 साल के लिए जनता ने मैंडेट दिया है, वेट कीजिए, वॉच कीजिए। रघुवर दास को तो हम लोग इससे परेशान नहीं किया, हम लोगों ने एक झारखंड में बाहरी के बाहर के आदमी आकर हम लोगों ने सत्ता सौंप दिया यहाँ के लोगों ने, यहाँ की भोली भाली जनता ने ये नहीं देखा कि वो छत्तीसगढ़ का लोग है, उनको मुख्यमंत्री तक दे दिया, और ऊपर से आप बात कर रहे हैं। देखिए इसकी जिम्मेवार यदि कोई है तो भाजपा के लोग हैं, हम लोग ला रहे हैं, हम लोगों ने प्रयास तो किया, लेकिन अब कोर्ट के बारे में हम लोग क्या टिप्पणी करेंगे। कोर्ट से अगर कोई बातें आ गई सामने तो उसके लिए हम लोग फिर से विचार कर रहे हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, हमारी सरकार चिंतित है, हमारे मुख्यमंत्री जी चिंतित हैं, और निश्चित तौर पर आने वाले दिन में देखिएगा सदन खत्म होते ही बम्पर बहाली होगा और युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।